हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था जो है ना कि यूपी टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें जो है, और क्या आपका जो है स्ट्रेटजी हो, क्या प्लानिंग आपकी हो, तो उसके लिए मैंने आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं। इसमें मैं यूपी टीजीटी मैथ्स जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था, यूपी 2016 का जो पेपर 19 में हुआ था है ना, उसकी मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ जो है। क्योंकि इस एनालिसिस के जरिए आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैं यहाँ पे पूरा आपको जो है उसका कितना परसेंटेज है, पाई चार्ट वगैरह सब चीज़ बना के मैं दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके से जो अपनी जो जो तैयारी है उसको कौन सी दिशा में दिया जाए, जो है किस तरीके से तैयारी किया जाए। क्योंकि देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं, क्या आपसे पूछा जाएगा है ना, ये सब सारी बातें आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। क्योंकि वो नहीं मालूम होगा तो आप सही दिशा में तैयारी नहीं कर पाएंगे, और अगर सही दिशा में तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आपका जो सक्सेस है ना, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जो है। तो इसलिए जो सही दिशा में तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर होता है उसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस के लिए मैंने प्रीवियस में एक वीडियो में बना चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं इस पे दे दूंगा जो है, आप देख लीजिएगा कि यूपी टीजीटी का सिलेबस इंग्लिश में भी मैंने बाइलिंगुअल मैंने अपलोड किया हुआ है जो है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। और आज के जो इस लेक्चर में मैं जो अभी मतलब इसका पिछला पेपर जो हुआ है, जो कि 2019 में हुआ है, ये 2016 का पेपर था, 2019 में कंडक्ट हुआ था, उसके एनालिसिस में करके दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके से अपनी तैयारी को दिशा दी जाए। ठीक है, तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूं, उससे पहले जो है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के लेटेस्ट जो है इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी यूजफुल चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको तो इस चैनल पर देता रहूँगा। ठीक है, और अंत में अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भूलिएगा नहीं आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसको इस तरीके से बांट देता हूँ कि जो 2016 का पेपर हुआ था जो है 2019 में, उसमें सबसे पहले जो क्लास टेंथ से जो कितने क्वेश्चन, क्लास नाइन्थ और टेंथ, मैं इस तरीके से इसका बंटवारा कर रहा हूँ कि क्लास नाइन्थ और टेंथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब नाइन्थ और टेंथ लेवल की मैथमेटिक्स जो उसमें कितने पूछी गई थी। ठीक है, तो नाइन्थ और टेंथ में के जो क्वेश्चन है ना, उसको मैं तीन पार्ट में बांट रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं तीन पार्ट में बांट रहा हूँ। किस तरीके से हम बांट रहे हैं उसको, उसको मैं सिंपल अरिथमेटिक नाम दे रहा हूँ। ठीक है, उसको फर्स्ट नंबर मैं नाम दे रहा हूँ अरिथमेटिक। ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक नाम दिया मैंने, और दूसरा उसको मैं नाम दे रहा हूँ सेकंड नंबर पे जो है उसको मैं नाम दे रहा हूँ ज्योमेट्री। ठीक है, सेकंड में नाम दे रहा हूँ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया, ज्योमेट्री में जैसे आपका ट्राइंगल्स हो गए, आपके जो क्वाड्रिलेटरल्स हो गए है ना, जो ट्राइंगल्स है क्वाड्रिलेटरल्स, ये सबकी ज्योमेट्री जो है लाइन्स और एंगल्स वाली ज्योमेट्री है, तो इसको मैं ज्योमेट्री नाम दे रहा हूँ। और तीसरा जो इसका पोर्शन है उसको मैं स्टैटिस्टिक्स, ये तीन तरीके में मैं इसका बंटवारा कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो सिंपल अरिथमेटिक से जो है, पहले मैं पूरे क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि किस में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड मैंने किए हैं, जो किस तरीके से मैंने इसका एनालिसिस किया है। ठीक है, तो अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूँ तो अरिथमेटिक से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 का जो पेपर हुआ था यूपी टीजीटी का, उसमें 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में आपसे जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करो तो इस स्टैटिस्टिक्स से कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और इसका टोटल वेटेज देखा जाए तो ये हो गया, कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो टोटल 28 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए टोटल, 28 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं क्लास टेंथ की, क्लास नाइन्थ और टेंथ लेवल की मैथमेटिक्स से जो है, कुल मिला के जो है 28 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, ये 28 जो संख्या है क्वेश्चन की संख्या है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन की संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो क्लास नाइन्थ और टेंथ लेवल की जो मैथमेटिक्स है ना, इसका जो वेटेज हुआ पेपर में 6.4% हुआ है ना, 6.4% जो है जो क्वेश्चन आते हैं आपके जो है वो हमारे कहाँ से आते हैं आपके जो है 6.4% नहीं है 6, इसको अगर परसेंटेज में निकालेंगे, एक सेकंड में इसको परसेंटेज में आपको निकाल के बताता हूँ, तो ये 28 क्वेश्चन आउट ऑफ 125, तो इसकी संख्या हो जाएगी 22.4%। ठीक है, इसकी संख्या हो जाएगी 22.4%, इसका जो है वेटेज हो गया 22.4%। ठीक है, चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लास 11th और 12th से जो कितना पूछा गया था। ठीक है, क्लास 11th प्लस 12th से कि क्लास 11th 12th वाली जो मैथमेटिक्स है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। ठीक है,
अगर मैं इसका इसकी बात करूँ तो क्लास 11 12 से बहुत ह्यूज मात्रा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। 11 12 का देखिए बंटवारा मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, 11 12 का बंटवारा मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, इसको ब्रांचेस में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको बहुत ही सूक्ष्म निरीक्षण करके जो लेक्चर में बना रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन दो क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकते हैं तो, और बाकी जो चीज़ें लगभग जो आपको एकदम ठीक मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी समय देके जो इसकी एनालिसिस मैं करके आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ क्लास 11 12 में अलजेब्रा की बात करूँ, तो अलजेब्रा से कुल मिला के आपके जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलजेब्रा में 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको संख्या तो मालूम ही है कि आपके एग्जाम में 125 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अलजेब्रा के बाद अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपसे जो है कुल मिला के 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है कैलकुलस की, ठीक है। कैलकुलस से अगर मैं बात करूँ तो कैलकुलस से कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। कैलकुलस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कितने पूछे गए, 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात आती है कैलकुलस के बाद बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात कर लूँ, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री से आपके कुल मिला के जो अगर मैं बात करूँ तो 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चन पूछे गए, 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से लगभग लगभग सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ वेक्टर और 3D की, है ना, वेक्टर प्लस 3D, वेक्टर प्लस 3D, 3D का मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन वही वेक्टर से जो रिलेटेड होते हैं। वेक्टर प्लस 3D की अगर मैं बात कर लूँ जो है तो यहाँ पे कुल मिला के 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं वेक्टर और 3D से, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी चीज़ में मैंने स्टैटिक्स और डायनामिक्स जो कि यूपी बोर्ड में पहले पढ़ाया जाता था, स्टैटिक्स और डायनामिक्स 11 12th में जो पढ़ाया जाता था, जो किताबें चलती थी, उसको भी मैं इसी में इंक्लूड करवा दे रहा हूँ 11 12th वाले पोर्शन में, ठीक है। स्टैटिक्स प्लस डायनामिक्स, ऊपर जो मैंने लिखा वो स्टैटिस्टिक्स लिखा सांख्यिकी, और यहाँ पर जो स्टैटिक्स लिखा है स्थिति विज्ञान, डायनामिक्स का मतलब गति विज्ञान, तो इसलिए इसको चीज़ को ध्यान रखना कि दो दो बार स्टैटिक्स नहीं आया है, वो स्टैटिक्स जो है वो है आपका सांख्यिकी, यहाँ पर जो स्टैटिक्स है वो स्थिति विज्ञान है, ठीक है। तो स्टैटिक्स और डायनामिक्स की संख्या जो है वो कितनी है, क्वेश्चन की संख्या टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 जो है मैंने कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है, और अगर इसका टोटल किया जाए, अगर मैं इसका यहाँ पर टोटल लिखता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनकी संख्या है यहाँ पे 89, बहुत ह्यूज वेटेज है क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स का। टोटल जो 89 क्वेश्चंस जो है उस एग्जाम में पूछे गए हैं, कहाँ से, क्लास 11th 12th की मैथमेटिक्स से। अब बात आती है कि जो ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें हैं, मतलब बीएससी का पोर्शन जो है वहाँ से क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो बीएससी लेवल की मैथमेटिक्स से आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड करवाया है, इसमें मैंने रियल एनालिसिस, ठीक है, रियल एनालिसिस में बेसिकली जो सिक्वेंसेज एंड सीरीज से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, रियल एनालिसिस में मैंने इसको बांटा हुआ है। इसके बाद मैंने इसको ग्रुप थ्योरी में बांटा हुआ है, ठीक है, ग्रुप थ्योरी में बांटा हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो तीसरा है अदर में मैंने जो इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके जो स्फीयर से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से आए हुए क्वेश्चन जो हैं, तो उसको भी मैंने अदर में डाल दिया है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ रियल एनालिसिस से कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और ग्रुप थियरी से कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं, और अदर्स मिलाकर कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो अगर हम ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स की बात करें तो कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर इसके वेटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6.4% है ना, 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और टोटल इसका जो पेपर में जो कंट्रीब्यूशन है वो 6.4% का कंट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। और ऊपर जो है मैंने जो 89 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके 11 12th की मैथमेटिक्स से, उसका वेटेज 71.2% है, इसका जो वेटेज है 71.2% इसका वेटेज है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो टोटल देखिए आपके जो है बात करें तो 9th 10th की मैथमेटिक्स से कितने हो गए, 28 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, 9th 10th, ओके। और अगर हम बात करें जो है 11th 12th से, तो 11th प्लस 12th से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 89 क्वेश्चंस की संख्या है। और इसके बाद बीएससी के पोर्शन की बात करें अगर, तो बीएससी से जो लगभग 8 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके इस एग्ज़ाम में, टोटल जो क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी, 125 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये तो वेटेज रहा हमारे क्वेश्चंस, है ना, यहाँ टोटल 125 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये तो रहा जो है इसका एनालिसिस, ठीक है।
अब मैं बात कर लेता हूँ जो है, दो और बातें करना मुझे बाकी है। एक तो बात ये करना कि मैंने इसमें किसको किसको इंक्लूड करवाया है। देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ तो इस अरिथमेटिक में जो जो क्या है, अरिथमेटिक का मतलब ये हो गया जो 9th और 10th में जो है जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं उसमें जैसे पॉलिनॉमियल्स है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम है उसकी बात कर ले, रेशियो प्रोपोर्शन हालांकि 9th 10th में नहीं पढ़ाया जाता है बट तो उससे भी लोअर लेवल पढ़ाया जाता है, तो रेशियो प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए हुए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और आपके आइडेंटिटीज हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे जो है, तो ये सारी चीज़ों को मैं अरिथमेटिक में इंक्लूड करवाया हूँ, ठीक है। अरिथमेटिक का जो आपका सिलेबस है जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था उसमें वर्क टाइम था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, ठीक है, और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई जैसे, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें मैंने इंक्लूड करवाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आती है ज्योमेट्री की बात। ज्योमेट्री में बेसिकली सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और लाइन एंड एंगल्स है ना, ये सब जो चीज़ें इंक्लूड है। और स्टैटिस्टिक्स में आपको मालूम है जैसे हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, उसके बाद मीन, मीडियन, मोड, बेसिकली इन चीज़ों पर जो है फोकस किया गया है, ठीक है। तो ये बात होगी कि कौन से चैप्टर में मैंने कौन से पोर्शन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करवाई हुई। अलजेब्रा में अगर बात कर लें तो अलजेब्रा में सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी को इंक्लूड करवाया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब द्विघात समीकरण है, ठीक है। उसके बाद एपी जीपी एचपी, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ह्रात्मक श्रेणी जिसको कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम है, द्विपद प्रमेय जिसको कहते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब क्रमचय संचय है, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता है आपकी जो है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज है ना, एक्सपोनेंशियल मतलब लघुगणकीय है, और चरघातांकी श्रेणियां जो इसमें इंक्लूड करवाई गई है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब आप समझते ही हैं है ना, तो वो सारी चीज़ें और भी जो चैप्टर जो अलजेब्रा में आते हैं वो इसमें इंक्लूड करवाए गए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम लोग बात कर लें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे लोकस हो गया है ना, लोकस, बिंदु पथ जिसको कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का सरल रेखा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखाओं का युग्म हो गया, सर्कल, सर्कल का मतलब क्या हो गया आपका, वृत्त हो गया, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन है। कैलकुलस में मैंने किसको काउंट किया हुआ है, कैलकुलस में फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफ्रेंसिबिलिटी, इंटीग्रेशन, उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी इसमें शामिल है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज है, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स है, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये चीज़ें इंक्लूड करवाई गई हैं। वेक्टर 3D में आप जानते हैं क्या चीज़ें पूछी जाती है। स्टैटिक डायनामिक्स में जो जो आपके सिलेबस में चीज़ें मेंशन है मैंने प्रीवियस क्लास में बताया भी था जो है, तो वो चीज़ों को इसमें इंक्लूड करवाया गया है, ठीक है। तो ये बात हो गई। रियल एनालिसिस में जो है क्वेश्चन जो है तीन ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी सिक्वेंसर सीरीज का जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप थियरी में बहुत ही आसान ग्रुप के बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो अदर क्वेश्चन है ना इसमें हमने आपको जो है क्वेश्चन, एक कौन का क्वेश्चन है, स्फीयर का दो क्वेश्चन है, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड करवाई गई है। अब बात आती है कि कितने, देखिए अब अगर अगर ये बीएससी का पोर्शन जो है आप पढ़िए, उसको मैं छोड़ने के लिए बात नहीं कर रहा, आपको सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर इन्हीं का वेटेज अगर हम लोग देख लें तो 9 और 8 कितना हो गया 17, और बचा कितना जो है 1, और 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 और 1, 11। तो जो 9, 10 और 11, 12 की जो मैथमेटिक्स है इससे जो टोटल 117 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, तो बहुत है आपके सक्सेस के लिए, बहुत सफिशियंट है ये क्वेश्चंस जो है, इसके लिए आपको जो बीएससी के सिलेबस के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर लेता हूँ कि क्या जो है मेरिट जाती है, मेरिट किस तरीके से जाती है, आपको अपना क्या प्लान बनाना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसकी बात कर लें। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लूँ, क्योंकि इनकी जो मेरिट है ना ये सेपरेट बनती है, इनके जो है जो स्कूल में वैकेंसीज होती है वो भी वो लोग अलग से डिस्प्ले करते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स होते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो मैंने लास्ट ईयर जो है जो मेरिट देखी हमारे इंस्टीट्यूट से भी लगभग लगभग 25 से 30 फीमेल कैंडिडेट भी जो 25 to 30 और कुल मिला के 55 की संख्या थी, 55 स्टूडेंट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट से भी क्वालिफाई किए UPTGT मैथमेटिक्स में जो है। तो फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनकी मेरिट बहुत लो जाती है, लो जाती का मतलब ये है कि आप समझिए जहाँ तक जो हमारे इंस्टीट्यूट में जो है जिन लोगों ने कोचिंग लिया हुआ था तो उनकी रिपोर्ट मैं बताऊँ अगर आपको जो है, तो जनरली जो ज़्यादातर लोगों ने ये रिपोर्ट किया जो फीमेल कैंडिडेट्स उन्होंने रिपोर्ट किया कि 70 से 75 क्वेश्चंस है ना, ज़्यादातर लोगों ने 70 to 75 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किया था जो, और उनका रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। तो आप सोचिए जो 125 या 70 to 75 क्वेश्चंस करना कोई बहुत कठिन बात नहीं है, ठीक है, अगर सीरियसली आप प्लान बना लीजिए, जो टॉपिक्स आप अच्छे से समझ लीजिए जो है, और सटीक तैयारी करिए एकदम जो है डेली। और दूसरी बात यह कि टेस्ट पेपर्स आप बराबर देते रहिए जो है, कुछ जहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक की ज़रूरत है वो चीज़ें भी आप जो समझते रहिए, तो निश्चित रूप से आपको क्वालिफाई करने में कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत हाई फाई मेरिट नहीं जाती है।
अब इसके बाद अगर हम लोग देखें मेल कैंडिडेट, यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, जनरल ओबीसी एससी एसटी में ये सब चीज़ों में डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं एक मोटा मोटा हिसाब करता बता रहा हूँ, आगे और भी बहुत ही बारीकी से सूक्ष्मता से मैं निरीक्षण करके आपको और भी आगे जो वीडियोज आएंगे ना उसमें और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूट से भी अच्छी खासी संख्या की जो कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की, उन्होंने सिलेक्शन होने के बाद लोग बताते भी हैं जो है अपने मार्क्स वगैरह बताते हैं कि कितने मार्क्स उन्होंने पाए और किस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी लोग डिस्कस करते हैं। तो अगर उसके आधार पर मैं अगर आपको बताऊँ तो आप मान के चलिए कि अगर आप जो है 85 या 80-90 आप रख लीजिए, 80-90 मतलब इसमें मैं ओबीसी एससी एसटी सभी, हालांकि जो एससी एसटी की मेरिट है वो काफ़ी वो थोड़ा सा इससे नीचे रहती है, बट मैं ओवरऑल जनरल अगर आपको बात बता दूँ जो है कि अगर आप एकदम सेफ रहना चाहते हैं तो 80-90 के बीच में अगर जो है ये जो मेल कैंडिडेट्स हैं अगर ये रिटर्न एग्जाम में इतने क्वेश्चन जो है अगर सही कर देते हैं तो उनका सिलेक्शन जो है लगभग लगभग तय होता है, ठीक है। तो आपको जो इस तरीके से देखिए अगर कुल मिलाकर 125 क्वेश्चन हैं आपके पास और आपको जो अटेम्प्ट जो है अगर मान लीजिए इसका अपर लिमिट ही मैं ले लेता हूँ, अगर 90 क्वेश्चन आप अगर अटेम्प्ट कर देते हैं सही कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आपको सिलेक्शन होने में। तो उस तरीके से उस दिशा में आप तैयारी करिए, जो अपनी स्पीड जो है आप बांट दीजिए कि आपका जो भी जो है जितना आपके पास टाइम रहता है जो है 2 घंटे का जो है जो समय आपके पास रहता है जो है उस हिसाब से आप जो है उसकी तैयारी को अपने जो है बांट लीजिए कि आप अपनी स्पीड देखिए कि आप 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस को लगा पाते हैं, 2 घंटे में कितने क्वेश्चंस को लगा पाते हैं। कुछ चैप्टर्स की जो थोड़ी थोड़ी ट्रिक भी आपको मालूम होना चाहिए, हर क्वेश्चन जो है ना सिर्फ लगाया नहीं जाता है, हर क्वेश्चन को ये नहीं कि पूरा उसका कंप्लीट सॉल्यूशन किया जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको आप जो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कहीं कहीं ट्रिक्स जो अप्लाई हो जाती है तो आप वहाँ पे अपने समय को बचा सकते हैं, क्योंकि आप डिटेल सॉल्यूशन करने जाएंगे ना तो इतनी चीज़ें आप जो है इतने क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर लगभग लगभग आप इस तरीके से जो है अगर आपका कट ऑफ जाता है तो आप जो एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है और ये करना जो बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ही आसानी से जो है इसको अचीव किया जा सकता है। कैंडिडेट तो बहुत अच्छे अच्छे जो है इसे ज़्यादा जो है सॉल्व कर लेते हैं। मैं तो अपने ज़माने में जो है मेरा जो है पीजीटी में जो है मैंने जो 100+ किया हुआ था करेक्ट जो है ना, अब वो सब बातें मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। आप जो है टीजीटी पीजीटी मैंने दोनों एंट्रेंस क्वालिफाई किया यूपी का, ठीक है, ओके। मैंने ज्वाइनिंग नहीं लिया वहाँ पे, बट ठीक है आगे जो है मैंने दूसरी जगह पे जॉब कर लिया। तो ये बात रही जो आपके कट ऑफ की जो है 70-75 के जो है अगर नियर अबाउट जो है अगर फीमेल कैंडिडेट्स जो है कट ऑफ अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं अगर जो है और मेल कैंडिडेट 80-90 क्वेश्चन जो है अगर कर लेते हैं, मतलब 90 क्वेश्चन सेफ होता है ना, 90 कर लेते हैं अगर तो सेफ है, हालांकि वो कैटेगरी के हिसाब से मेरिट और डाउन जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं 90 करेंगे जो कैंडिडेट उनका ही क्वालिफाई होता है, इससे नीचे पे भी सिलेक्शन हो जाता है, काफ़ी नीचे हो जाता है। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं इनकी बात करूँ तो लगभग 70-75 या एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो उससे नीचे भी जाता है। मैं फिलहाल आज के लेक्चर में कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, एक ओवरऑल व्यू आपको बता रहा हूँ, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है इसमें जो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो अपनी तैयारी को दिशा दीजिए जो है अपनी तैयारी में आप लग जाइए, क्योंकि फॉर्म जो है जैसा कि न्यूज़ समाचार पत्रों में जो दिखाया जा रहा है तो जल्दी वैकेंसी आएंगी ऐसा अनुमान है जो है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से इसी दिशा में आप अपनी तैयारी करिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी बहुत ही डिटेल बहुत ही बारीक बातें मैं लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।